हेलो दोस्तों, मेरा नाम एसी है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और मैं डीसी हूँ, यानी कि डायरेक्ट करंट। मैं दुनिया को पिछले 100 सालों से पार दे रहा हूँ। सही कहा एसी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। अब हर घर डीसी में तब्दील हो गया है। घरों में डीसी, मगर घर में इस्तेमाल होने वाली सभी इलेक्ट्रिकल चीजें तो एसी से चलती है ना। अच्छा, चलो देखते हैं। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पर ही चलते हैं। और तो और, सोलर पैनल से भी डीसी बिजली पैदा होती है, और बैटरी भी बिजली को डीसी रूप में ही जमा रखती है। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन एसी पावर ही तो डीसी में बदल कर इस्तेमाल होती है ना। तो ये भी मानना पड़ेगा कि इतनी बार एसी से डीसी और डीसी से एसी में बदलने के कारण 20-40% ज्यादा पावर खर्च होता है। पर फैंस, लाइट, फ्रिज, उनका क्या वो भी डीसी पर चल सकते हैं? हाँ, नई टेक्नोलॉजी के चलते अब ये सब मुमकिन हो चुका है। उदाहरण के तौर पर ब्रशलेस डीसी पंखे 60% कम पावर खर्च करते हैं, और एलईडी ट्यूबलाइट्स दूसरी फ्लोरोसेंट लाइट्स के मुकाबले 60% कम बिजली खर्च करती है। वो सब तो ठीक है, मगर घरों में तो एसी लाइन आती है, डायरेक्ट डीसी लाइन नहीं आती। अब तक नहीं आती थी, पर अब आईआईटी मद्रास ने एक आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम प्रोजेक्ट यूडीसी है। इससे अब हर घर में सीधे डीसी पावर लाइन दी जाएगी। अब हर घर को मेरी जरूरत ज्यादा महसूस होगी। एक मिनट, ये प्रोजेक्ट यूडीसी क्या है? प्रोजेक्ट यूडीसी एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। इससे हर घर में एक एडिशनल डीसी पावर लाइन दी जाएगी। आज घर में जो एसी लाइन आती है वो ही रहेगी, पर मीटर से 2 बिजली की लाइनें निकलेगी, एक आज की एसी और दूसरी नई डीसी लाइन। इस डीसी लाइन से आप सीधे डीसी अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जो एसी से कई ज्यादा कुशल है। और एक बात है, ये डीसी लाइन जब लोड शेडिंग रहेगी तब भी काम करती रहेगी। मतलब लोड शेडिंग के समय एसी पावर लाइन तो कट हो जाएगी, पर डीसी लाइन नहीं। डीसी लाइन पर चलने वाले सभी फैंस, लाइट्स लोड शेडिंग के समय पर भी चलेंगे। अच्छा, तो ये बताओ कि ये डीसी पावर लाइन लोड शेडिंग के दौरान भी कैसे काम करेगी? यही तो इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन है। आमतौर पर जब भी पावर की कमी होती है, पावर सप्लाई बंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में यूडीसी से भेजा गया एक सिग्नल एसी लाइन को ऑफ करता है और डीसी पावर लाइन को ऑन रखता है। इस डीसी लाइन पर चलने वाले 2-3 ट्यूबलाइट्स, 1-2 पंखे, टीवी, मोबाइल चार्जर इत्यादि सभी मूल जरूरतों को पूरा करती है। इसलिए डीसी पावर लाइन है हमेशा ऑन। पर क्या डीसी सुरक्षित और भरोसेमंद है? बिल्कुल, 48 वोल्ट डीसी पूरी तरीके से भरोसेमंद है, और यही वोल्टेज हमारे घरों के टेलीफोन लाइन में भी उपयोग होता है। ये 230 वोल्ट एसी से भी ज्यादा सुरक्षित है। ये तो बढ़िया आविष्कार है। क्या हम इस डीसी लाइन में और ज्यादा डीसी उपकरण लगा सकते हैं? हाँ, इस डीसी लाइन पर ज्यादा डीसी उपकरण लगाने के लिए आप अपने घरों की छत पर सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। महंगा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत फायदे इसके है ना। बहुत से भी ज्यादा बिजली बचेगी, बिजली के बिल में काफी कमी होगी, अप्लायंसेस की लाइफ बढ़ेगी, और सबसे अच्छी बात, लोड शेडिंग के टाइम पर भी पावर ऑन रहेगा। अरे वाह, ये तो बेस्ट है। अब हर घर में डीसी लाइन जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर में ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पर ही चलेंगे, जैसे लैपटॉप, टीवी इत्यादि। सही है, मैं एसी में ट्रांसमिशन करूंगा और तुम घरों में डीसी बिजली दोगी। हाँ, एसी पावर का ग्रिड पर चलना और डीसी का घरों में चलना, इससे हम दोनों मिलकर चमत्कारी काम कर सकते हैं। जैसे जैसे घर डीसी होते जाएंगे, पावर का भविष्य उज्जवल होगा, और प्रोजेक्ट यूडीसी सही दिशा में लिया गया पहला कदम है जिससे आपका घर डीसी पावर उपयोग कर सकता है। बढ़िए भविष्य की ओर, दीजिए घरों में डीसी पर जोर।